मुरादाबाद, आज बिजली विभाग द्वारा बिजली महोत्सव कार्यक्रम पंचायत भवन में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार द्वारा बिजली उपभोक्ताओं को जो लाभ सरकार द्वारा दिया जा रहा है और नई नई योजनाएं सरकार द्वारा लाई जा रही हैं, उनके बारे में बताया गया। अधिक जानकारी के लिए देखिए पूरी खबर लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज पर। अनिल कुमार के साथ मनोज सैनी की रिपोर्ट, मुरादाबाद। दिनेश गुप्ता जी का स्वागत और अभिनंदन। मैं रतन जुनेजा जी से भी आग्रह करूंगा, वो भी एक कुके के माध्यम से आपका स्वागत अभिनंदन करें। विधायक जी का रतन जुनेजा जी अधीक्षण अभियंता ग्रामीण है, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगा श्री प्रमोद गोगानिया जी से। अब यूं तो फेसबुक में आप स्क्रॉल कीजिए तो 90% फोटो तो रितेश जी के ही मिल, और तालियां निरंतर बजते रहे हैं दीप प्रज्वलन इस भावना के साथ। चहु और प्रकाश हो, सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो दिलों में, मन में, कहीं भी किसी प्रकार की कोई नकारात्मकता है वो दूर हो। आज बिजली विभाग द्वारा बिजली महोत्सव कार्यक्रम यहाँ पंचायत में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार द्वारा बिजली उपभोक्ताओं को जो लाभ दिया जा रहा है, जो नई नई योजनाएं सरकार द्वारा लॉन्च की गई हैं, उसके बारे में विस्तार से लघु नाटिका के माध्यम से और डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से जनता के बीच में दिखाया जा रहा है, और बहुत अच्छा कार्यक्रम बिजली विभाग द्वारा आयोजित किया गया। सर क्या क्या आज मतलब बकाया बिल पर भी कुछ हुआ नहीं? कुछ जो भी सरकार के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, जो छूट दी जा रही है, उसके बारे में हम मना रहे हैं, उसमें अमृत महोत्सव के तहत एक ऊर्जा दिवस बस यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि हमने विगत में पिछले 75 वर्षों में हम लोगों ने क्या प्राप्ति की ऊर्जा के क्षेत्र में और हमारी भविष्य में क्या योजनाएं हैं, तो उसी के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पूरे भारतवर्ष के अंदर हरेक जनपद में दो कार्यक्रम इस तरह के आयोजित किए जाने हैं, तो उसी में जितनी भी हमारी स्कीम्स थी उसके बारे में यहाँ पर अवगत कराया गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, यही उद्देश्य। हाँ, सौभाग्य योजना के अंतर्गत जिन लोगों ने सरचार्ज में छूट दी है उनको प्रशस्ति पत्र दिए गए हैं। उसके अतिरिक्त हमारे जो सोलर पैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि हम लोगों की जो कन्वेंशनल एनर्जी है वो बच रही है, उन लोगों को हमने प्रशस्ति पत्र दिए हैं, वो अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान इसमें दे रहे हैं। इन लोगों को हमने प्राप्त किया है। सर सवाल एक, मंत्री और विधायक दोनों ही नाराज नजर आए कि विद्युत विभाग पर सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मंत्री जी और विधायक जी बिल्कुल इसमें, ये तो उन लोगों की मंशा उन्होंने अपनी व्यक्त की, मतलब क्योंकि उनके हमेशा ये निर्देश होने चाहिए, हम लोग उनके निर्देशों का हमेशा पालन करते हैं, शासन की मंशा के कार्य करते हैं। लेकिन इस तरह का नहीं कि कोई नाराज था किसी पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति से, हो सकता है माननीय विधायक जी कोई व्यक्ति ऐसा लगता है। विद्युत विभाग बिल्कुल सही कार्य कर रहा है, अगर कहीं किसी स्तर पर कोई गड़बड़ी है तो उसको हम सुधार करेंगे निश्चित रूप से। आज 27 तारीख को आयोजन किया गया, उसके अतिरिक्त 29 तारीख को आयोजन किया जाएगा तीर्थांकर महावीर यूनिवर्सिटी में, जो पाकबाड़ा रोड पर है, वहाँ पुनः इसका आयोजन किया जाएगा। उसके बाद उसको जनता को जागरूक करना और रुचिकर ढंग से उसको बताना, और आज यहाँ बहुत ही मानी जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में बहुत ही भव्य यहाँ कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें न केवल ऊर्जा विभाग की उपलब्धियों को, ऊर्जा विभाग के आए उसके बारे में जानकारी दी गई, बल्कि यहाँ बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, जिसमें बच्चों ने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। निश्चित रूप से इसके लिए मैं ऊर्जा विभाग के सभी अधिकारियों, खासकर अटल बिंद के अधिकारी, उन सभी लोगों को मैं बधाई दूंगा कि जो शासन की मंशा है उसके अनुरूप आज यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ पर जो आम जनमानस उपस्थित था उसे इस बात का भी आयोजित किया गया, ऊर्जा विभाग द्वारा जो भी सुविधाएं दी जा रही है उसका लाभ उठाएँ, समय से अपने बिजली के बिल का भुगतान करें, जिससे जो सरकार की मंशा है, सरकार की जो कमिटमेंट है, निरंतर 24 घंटे विद्युत आपूर्ति होती है, उस दिशा को पूर्ण कर सके। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।